आलोक शर्मा जी, सड़क नहीं बन रही है ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपके शासित राज्यों में भी उतनी ही तेजी से सड़क बन रही है जितना किसी बीजेपी शासित राज्य में। कम से कम सड़क के मामले में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। देखिए, सड़क के मामले में मैं कहूंगा कि सड़क बन रही है, लेकिन उसके पीछे दो पहलू और समझने के। जिस समय 2014 में एनडीए की सरकार आई, 1166 टोल थे, आज 1700 ज्यादा टोल है, 1700 से ज्यादा, शायद इतिहास में कभी इतने टोल टैक्स नहीं बढ़े होंगे। पहला। दूसरा, तीन गुना जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तीन गुना बढ़ गई 5 साल के अंदर। मुझे लगता है कि उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार जाएगी, जांच होगी, तब उसके ऊपर विचार करेंगे। अब बात आते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट गिर गया, मनरेगा का बजट 71% कम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बजट कम हो गया, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि साहब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या नेपाल आके बनाएगा? यहाँ पर कहां से फंड आएगा? ये सड़क कहां बनेगी? ये सड़क कहां बनेगी? मुझे केवल ये, अरे सर मुझे बताइए, नेशनल हाईवे रूरल एरिया में बनता है क्या? अरे जहाँ काम हो रहा है आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है, सर एक मिनट, गजब है। एक आप बोल रहे काम नहीं करते, फिर जहाँ काम हो रहा है वहाँ कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है, तीन गुना कैसे बढ़ गया? सीएजी ने तमाम तरह के सवाल उठाए, मुर्मू साहब के आने से पहले सीएजी के सवाल थे, एनएचएआई के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 साल में तीन गुना कैसे हो गई? ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, सीधे वैभव जी से ही सवाल लेता हूँ। वैभव जी, क्या 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 आलोक जी जो आंकड़ा बता रहे सही है? इसमें एक जोड़ना चाहूंगा, निश्चित रूप से जोड़ना चाहूंगा, 2014 में आपको ध्यान होगा जब ये नया लैंड एक्विजिशन बिल आया और जिसमें सरकार ने बहुत सोच कर किसानों, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा कर, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बिना जवाब, आलोक भाई आप ही का जवाब दे रहे हैं। BOQ में BO, मैं सिविल से इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ, मैं BOQ की बात कर रहा हूँ साहब, मैं लैंड एक्विजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल पूरा करता हूँ, मत रहना शर्मा जी, बढ़ोतरी का कारण ये था कि बाद में जो सड़कें बन रही है। अरे साहब पूरा पूरा भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। मैं कंपनियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने 2019 में फंडिंग की है बीजेपी को, और उसके बाद उनको काम मिले दिल्ली से बड़ौदरा के ऊपर, हाईवे के ऊपर। आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूं कंपनी के, अभी ऐसा नहीं है जो आज। अरे साहब मैं बता रहा हूं, मैं कंपनियों के नाम बता दूंगा, दीपक जी यहीं पर बैठा बैठा, गलत फहमी में ना रहे आप लोग। 1100 से बढ़ाकर टोल आपने 1700 टोल कर दिए पूरे देश के अंदर। अरे सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा भाई, आलोक जी लॉजिकल बात है, सड़क बनेगी तो टोल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? तीन टोल बढ़ गए, कहां से बढ़ गए? अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर। अच्छा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, एक मिनट एक मिनट आलोक जी जवाब ले लीजिए। वैभव जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वैभव जी नहीं चिल्ला पाएंगे उतना। वैभव जी कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर मैं जफर सलाम जी के पास जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने के लगातार अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन इस देश मान तो लिया ना बढ़ी है तीन गुना। दीपक जी आपके शो पर माना है, इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाइए कि तीन गुना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ इसके अंदर। मेरे 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 शब्दों को आप बिल्कुल गलत तरीके से मत पेश करिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए ना कितने टोल बढ़े। आरटीआई का जवाब है 1166 से 1700 कुछ टोल हो गए 5 साल के अंदर। पब्लिक की जेब से सब कुछ निकाल लीजिए आप लोग। आज 4 लेन की 6 लेन की सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बन रही है जिसके कारण मेंटेनेंस कम हो रहा है। अरे साहब मैं कंपनियों के नाम बता दूंगा किसने कहाँ कितना चढ़ावा चढ़ाया है, मेरा मुंह मत खुलवाइए उस मुद्दे पर।